नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टूडेंट अकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट के सिलेबस के बारे में। पीवी एंड एफटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके सिलेबस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इससे हमें पता चल जाता है कि किन किन टॉपिक को हमें पढ़ना है और किन टॉपिक्स को हमें छोड़ना। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब रिजल्ट्स, मॉडल आंसर, फाइनल आंसर की और सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, शॉर्ट नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी से, बायोलॉजी में दोस्तों बहुत से सेक्शन होते हैं, जैसे बॉटनी आ जाता है, जूलॉजी आ जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा आप बॉटनी को, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और आपको मैं सलाह दूंगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके इन टॉपिक्स को पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मैं सभी टॉपिक्स के नाम आपको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए पहला है बॉटनी। बॉटनी में जैसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, इस प्रकार से म्यूजियम, जूज, ठीक है। नेक्स्ट है बॉटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, सॉरी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसके बाद है प्लांट्स फिजियोलॉजी, प्लांट्स फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। जितने भी एग्जाम होते हैं फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, फोटोसिंथेसिस से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेस्पायरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी सभी एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, आल्सो इम्पोर्टेंट। एनवायरमेंटल इशूज, इकोसिस्टम, ठीक है। इस प्रकार से आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे हम देखते हैं रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ओके। इसके बाद बॉट यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट सेक्शन है जूलॉजी, ओके, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है जूलॉजी। हमने यहाँ पर देखा था बायोलॉजी में पहला क्या था, बॉटनी, दूसरा क्या है जूलॉजी, ओके। तो जूलॉजी में देखिए आप यहाँ पर पहले लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद देखिए मल्टी सेलुलरिटी, इसके बाद स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज, इसके बाद डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, इसके बाद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी, हेल्थ एंड डिजीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़। इससे भी लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, मस्ट रीड इट, ओके। हेल्थ एंड डिजीज़, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पर सब टॉपिक्स हैं, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट,
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। तो यह था आपका बायोलॉजी का सिलेबस, आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिक्स का सिलेबस। ओके सो लेट्स स्टार्ट फिजिक्स। ओके तो पहला क्या है इसमें, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजरमेंट्स से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मस्ट रीड इट। ओके इसमें दोस्तों आपकी यूनिट्स पूछी जाती हैं अक्सर, और डायमेंशन भी पूछी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मोशन। वर्क एनर्जी एंड पावर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा वर्क एंड पावर के नोट्स। ओके वर्क एनर्जी पावर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ग्रेविटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। थर्मोडायनेमिक्स, इस प्रकार से इसमें भी बहुत से टॉपिक्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ऑसिलेशन एंड वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कंडक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एंड नॉट एंड एंड नॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आप केमिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पहला है जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री इसमें आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स ऑफ मैटर भी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आ गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ देखिए आप पॉलीमर्स आ गया है इसमें, इसमें बहुत सारे टॉपिक, बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, न्यूक्लिक एसिड, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इस प्रकार से आपने देखा है पीबी एंड एफटी का सिलेबस। यहाँ पर देखिए आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से, तो आप इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स तैयार करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं कम समय में। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरे देखिएगा दोस्तों, और हमारे नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू दोस्तों।